नमस्कार, मेरा नाम आदित्य कुमार और मैं फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ BAU साबर। सेकेंड सेमेस्टर में मैंने एनिमल हस्बेंड्रिंग जो है लाइव स्टॉक में मैंने ये पढ़ा था कि जो भी इंक्यूबेटर है उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन किया जाता है, तो मेंटेन करने के बाद उससे जो भी चूजा है हैचिंग हो जाता है और उससे चूजा निकलता है। तो मैं सोचा कि अगर उस इंक्यूबेशन का प्राइस लगभग मतलब अप्रोक्स 1.5 लाख 2 लाख बहुत हायर अमाउंट है और इसको करने के लिए बहुत बड़ा फार्मर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा अंडा की भी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पैसा भी उसमें खर्च होगा, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा था। तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब उसका कॉस्ट हम लोग कम करें और इस इक्विपमेंट को हम लोग मतलब छोटे फार्मर्स के पास पहुँचाएँ। मैंने एक छोटा सा थर्मोकॉल का बॉक्स ले आया, जनरली मछली का जो बॉक्स होता है ये, और इसमें मैंने अपना इक्विपमेंट सेट किया। ये मेरा टेम्परेचर कंट्रोलर है जो मार्केट में बहुत सस्ते प्राइस पे मिल जाता है। इसमें मैंने आज से 2 तारीख को शाम में मैं सर से अंडा लेकर आया था और वो उसको मैंने हैचिंग के लिए यहाँ रखा। फिर 13-14 दिन के बाद आप देख सकते हैं वहाँ जो बटेर जो है क्वेल का जो चूजा है वो 13-14 दिन के बाद आज 3-4 दिन का हो चुका है, और ये जो है ये मुर्गी वाला चूजा है और इस ये आज कल परसों में हुआ था, ये 2 दिन हुआ होगा इसका और अभी भी हैच हो ही रहा है। ये मशीन मतलब बहुत कम कॉस्ट का है और मैनुअली चलता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए किसान को, क्योंकि ये मैक्सिमम 2000 से 2500 रुपये के आसपास में इसका कॉस्ट है लगभग, और इससे आराम से मतलब कोई भी किसान आराम से 50 अंडा तक हैचिंग कर सकता है। और फिर इसके साथ परेशानी आ सकती है, जैसे कि मतलब परेशानी ये आ सकती है कि आपके पास अगर लाइट नहीं है तो हम इसका भी उपाय है मेरे पास, जैसे कि अगर किसी किसान के घर पे बहुत ज़्यादा देर तक 4-5 घंटा लाइट नहीं आता है तो उस टाइम में वो गर्म पानी करके अगर उसके बॉटल में करके रख देता है अंदर तो टेम्परेचर जनरली मेंटेन हो जाता है 30-32-33 डिग्री। हालाँकि हैचिंग के लिए आइडियल टेम्परेचर 100 डिग्री फॉरेनहाइट 37.7। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमने बल्ब जलाया है, जैसे टेम्परेचर मैंने सेट किया है इस टेम्परेचर कंट्रोलर से इस चैम्बर को ले जाना है। टेम्परेचर आप अपने हिसाब से जो भी टेम्परेचर जितना भी डिमांड है आपका टेम्परेचर का उतना रिक्वायरमेंट इसको पूरा करना पड़ेगा, लाइट लगा के बस आराम से आप हैचिंग कर सकते हैं। इसको बस मैनुअली 3 से 4 बार इसको रोटेट करना पड़ता है। रोटेट करने का सिस्टम है जैसे कि ये मान लीजिए एक कैरेट हुआ आपका, ये सरफेस इस पे अंडा रखा हुआ है, अंडा रखने का भी एक सिस्टम होता है और अंडा रखने का सिस्टम मैं आपको दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं ये जो अंडा है ये 2 टाइप का, एक नीचे से ऐसे है और ऊपर से थोड़ा फैला हुआ है, तो हमको ऐसे ही रखना है। ये जो अंडा है नीचे की तरफ ऐसे रहना चाहिए और ऊपर की तरफ बड़ा रहना चाहिए, हालांकि सर ऐसे ही घुमा रहता है ऐसे इस अंडे में। और ये जो अंडा है ये मुर्गी का अंडा और ये मतलब 21 दिन में हैच हो जाता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 21 दिन का। और तो अभी तक मतलब मैंने इसमें 14 अंडा डाला था इसमें, और 14 में अभी तक का रिजल्ट हमारे पास 6 मुर्गी आप लोग सामने हैं और मेरे ख्याल से 4 या 5 मुर्गी और इसमें मतलब आ जाएगी आजकल में।